जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इस छोटे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यानी विविध प्रश्नावली के विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए विविध प्रश्नावली को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है यक्स इज इक्वल टू 0 एवं यक्स इज इक्वल टू 2π तथा वक्र वाई इज इक्वल टू साइन यक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो साइन यक्स का हमको ग्राफ खींचना होगा 0 से लेकर के 2π के बीच में। तो देखें ये है यक्स अक्ष, सबको मालूम है, और ये है वाई अक्ष वाई वाई डैश, और ये मूल बिंदु है। यहां पर यक्स की वैल्यू 0 होती है। सपोज कीजिए यह डिस्टेंस पाई को रिप्रेजेंट करता है, यह डिस्टेंस 2π को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे क्वेश्चन में यक्स इजकल टू पाई से यक्स इजकल टू 2π के बीच में कहा जा रहा है। तो जब इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं ना, साइन यक्स का जो ग्राफ होता है वह ग्राफ इसी तरह का प्राप्त होता है। इसको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में प्रतिलोम वृत्ति फलन में इस ग्राफ को आप देखे होंगे। ये जितना ऊपर की तरफ होता है उतना ही फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ भी होता है। तो आपसे कहा जा रहा है ये संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब ये आपसे ये और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है। अगर इसको हम y1 मान लें, इसको y2 मान लें, तो y1 0 से पाई तक होगा और y2 पाई से 2π तक होगा। तो अब जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे, एरिया हमको ज्ञात करना है, फार्मूला आपको मालूम है ydx। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले जो इंटीग्रेशन है वो 0 से पाई तक है, तो 0 से पाई और y की वैल्यू हो जाएगी आपके साइन यक्स, और फिर ये हो जाएगा dx। और सुनिए ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये प्लस होगा और नीचे निगेटिव डायरेक्शन है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन पाई टू 2π और ये भी हो जाएगा साइन यक्स dx। सॉल्व करते हैं हम इसको। तो a इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस कॉस एक्स, ये हो गया माइनस कॉस एक्स 0 to π, और फिर माइनस फिर साइन का हो जाएगा माइनस कॉस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया कॉस यक्स पाई टू 2π हो जाएगा। रखते हैं वैल्यू, अब a इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, और फिर ये हो जाएगा प्लस आपका कॉस 2π माइनस कॉस पाई। अब यहां पर सबकी वैल्यू रख करके इसका मान हम निकाल लेंगे। तो अब जो है यहां देखें, ये तो माइनस से कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस कॉस 0 का 0 की वैल्यू तो 1 होती है, और फिर कॉस 2π की वैल्यू 1 और माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा।
इस प्रकार ये हो गया आपका माइनस वन, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, और माइनस टू में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू हो जाएगा, और वन प्लस वन करेंगे तो ये टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा फोर यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये जो क्वेश्चन नंबर फाइव था, ये क्वेश्चन नंबर फाइव आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए यक्स। तो सबसे पहले हम इस परवलय को दिखा देते हैं। तो देखें, ये एक्स अक्ष है और फिर ये है वाई अक्ष, ये वाई वाई डैश है, परवलय यक्स अक्ष पे है। तो अब ये परवलय यक्स अक्ष पर होगा तो ये परवलय हो जाएगा, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए यक्स। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आगे, रेखा वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू दिया है एम एक्स। देखिए यहाँ सी की वैल्यू जीरो है, तो सी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो जब ये रेखा मूल बिंदु से होकर के जाएगी तो ये ऐसे जाएगी। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इनके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो यही तो है। तो अब जो है, अगर हम यहाँ से लंब डाल दें, देखिए यहाँ से लंब डाल दिया जाए, तो जब परवलय लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये पूरी एरिया निकलेगी, और ये रेखा लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमको इतनी एरिया मिलेगी। तो परवलय के एरिया में से लाइन वाले एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो इनके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोगों को प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू रख दें तो फिर देखिए क्या मिलेगा, y की जगह पे mx रख देते हैं, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए यक्स हो जाएगा। राइट को लेफ्ट ला देते हैं तो m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस फोर ए यक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो m स्क्वायर x माइनस फोर ए इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार अगर इसको जीरो के इक्वल करें तो x इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और फिर इसको अगर हम करें तो x इक्वल टू देखें फोर ए अपॉन यम स्क्वायर हो जाएगा। बारी बारी से वैल्यू रखते हैं, अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और x के जगह पे अगर फोर ए अपॉन यम स्क्वायर रखते हैं तो स्क्वायर से यम कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा फोर ए अपॉन यम। तो देखिए इस पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल रहा है, इस पॉइंट को अगर हम P मान लें तो x की जो वैल्यू है यह 4a अपान m स्क्वायर है, और y की जो वैल्यू है वो जीरो है। जरा ध्यानपूर्वक देखें, यह मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक जीरो जीरो होता है, और जितनी दूरी यहाँ से इसकी होगी उतनी ही दूरी यहाँ से इसकी होगी, यानी ये दूरी अगर 4a स्क्वायर अपान m, 4a अपान m स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस भी 4a अपान m स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a अपान m स्क्वायर और x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग पहले परवलय के लिए और फिर इसके बाद रेखा के लिए, तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर देखें ये हो जाएगा y1 dx परवलय के लिए। लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पर लिमिट जीरो है और यहाँ पर जो लिमिट है ये 4a अपॉन m स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये तो परवलय के लिए हो गया, पैराबोला के लिए हो गया। अब लाइन के लिए हम लोग देखेंगे तो ये माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा वाई टू डी एक्स, लेकिन लाइन भी वहीं से शुरू होकर और वह खत्म हो रही है, यानी ये हो जाएगा 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो एरिया हमको निकल जाएगी a इजकल टू 0 to 4a अपॉन एम स्क्वायर वाई वन। वाई की वैल्यू निकालेंगे पैराबोला से तो 2√a और रूट एक्स हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं 2√a को हम बाहर निकाल देते हैं तो ये हो गया 2√a। अब बच जाएगा x, तो x का पावर हो जाएगा 1/2 dx हो जाएगा। हम एरिया निकाल रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ आए तो ये 0 to 4a अपान हो जाएगा m स्क्वायर, और रेखा के लिए y इजकल टू एम एक्स, यम को बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा x dx। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a इजकल टू 2√a x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3/2 अपान 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, x टू दी पावर 3/2, और ये हो गया 0 और ये हो गया 4a अपॉन m स्क्वायर। और फिर माइनस अगर हम यहाँ आ जाएं तो m और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 और x स्क्वायर 0 to हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो a इजकल टू हो जाएगा 4√a अपॉन 3, और चलिए यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं 4a अपॉन m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर टू दी पावर हो जाएगा 3/2, और माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस ये हो गया m बाई 2, यहाँ कर देते हैं अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन m स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा ये 0। चलिए फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 4√a/3। अब चलिए इसका हम 3/2 करते हैं, तो 4 का 3/2 करेंगे तो 4 का क्यूब 64 और स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, तो ये हो गया 8, और a का पावर 3/2 करेंगे तो a रूट a हो जाएगा, a रूट a, और फिर यम स्क्वायर का करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यम क्यूब। और फिर अब यहाँ पर जो है इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ हम आते हैं, ये हो गया आपका यम बाई 2, और देखें इसका स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और ये हो गया स्क्वायर, और फिर नीचे यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा यम टू दी पावर 4। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए यहाँ राइट साइड में हम सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो अब ये हो जाएगा a इजकल टू यहाँ पर 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 32, और फिर देखें 32 अपॉन नीचे 3 हो जाएगा। अब देखिए रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा, और a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये है आपका m क्यूब, और फिर यहाँ आ जाइए माइनस, ये हो जाएगा आपका। अब देखा जाए यहां पर तो देखें 2 से इसको अगर कट कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और यम से इसको कट कर देते हैं तो क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा m क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो a इजकल टू एलसीएम ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 3m क्यूब, और फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32a स्क्वायर, और माइनस m क्यूब से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 हो जाएगा, 24a स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए अब आप जो है इसको माइनस कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, ये हो गया आपका 8a स्क्वायर अपान हो जाएगा 3m क्यूब। तो ये जो है ये एरिया मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
यहां दिया गया है परवलय 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अगर इसको सही तरीके से हम कर लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/4x स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले हम इसको बना करके देख लेते हैं, परवलय ये जो पैराबोला है y एक्सिस पे है क्योंकि y का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। ये पैराबोला जो है y अक्ष पर है, इसको हम दिखा देते हैं y अक्ष पर, ये पैराबोला हो गया। फिर देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, एवं रेखा 2y इज इक्वल टू, रेखा आपको दी गई है 2y, तो और ये जो रेखा आपको दिया हुआ है ये है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 दिया है, 3x प्लस 12। इसको जरा हम लोग सही तरीके से कर ले, तो अगर 3x को पहले हम ला देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3x और प्लस हो जाएगा 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, बराबर के बाद 1 लाना है, तो बराबर के बाद 1 लाने के लिए 12 से पहले इसको डिवाइड कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये रेखा होगी कहाँ। तो अब जो है अगर हम 12 से इसको डिवाइड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा, ये माइनस 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू तो 1 हो जाएगा। तो 2 से इसको कट कर देंगे 6 हो जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 4 और प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। तो देखिए x अक्ष पर ये माइनस 4 का अंतःखंड काट रहा है, तो x अक्ष पर माइनस 4 इधर आ जाएगा और फिर y अक्ष पर 6 का अंतःखंड काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये लाइन ऐसे होकर के जाएगी, इधर के तरफ माइनस 4 और इधर के तरफ जो है ये दिखा रहा है y एक्सिस पर कटा हुआ अंतःखंड 6 होगा, बल्कि ये थोड़ा सा और टेढ़ा होना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा और टेढ़ा कर देंगे तो जा करके ये सही हम लोगों को मिलेगा। अब ये देखिए बल्कि y एक्सिस पे 6 का अंतःखंड काटा जा रहा है, तो 6 थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए और माइनस 4 है, चलिए माइनस 4 को हम यहां ऐसे दिखा देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये परवलय और ऊपर जाएगा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, आपसे देखिए प्रश्न में जो पूछा जा रहा है पूरा प्रश्न एक बार बढ़िया से पढ़ लिया जाए, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि परवलय 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एवं रेखा 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये लाइन और ये पैराबोला इन दोनों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हम लोगों को इतना क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए अब इसके लिए हमें क्या होगा, हमको प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात होना जरूरी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को ज्ञात होना जरूरी है। अब यहाँ से हम चाहें तो यहाँ नीचे लंब भी डाल सकते हैं, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम लोग रेखा का समीकरण लेकर के एरिया निकालेंगे तो हम लोगों को ये पूरी एरिया निकल जाएगी, और अगर हम परवलय का समीकरण लेकर सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली एरिया निकल जाएगी, तो रेखा के क्षेत्रफल में से परवलय के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच जो कवर्ड एरिया है इस कवर्ड एरिया का जो क्षेत्रफल होगा हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं और ये जो रेखा थी 2y इज इक्वल टू ये 3x प्लस 12 है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखें अब हम, तो अब जो है
y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल करके इसमें रखना पड़ेगा, और y की वैल्यू अगर हम निकाले थे तो 3/2x और प्लस हो गया था ये 6। y की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं और फिर रख करके देखते हैं तो ये मिलेगा आपका 4 और y की वैल्यू है 3/2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अब जो है यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 3 6 हो जाएगा 6x, और फिर यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और फिर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को लेफ्ट में ला देते हैं तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और देखिए -3 से डिवाइड कर देते हैं तो -3 से आप पहले 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको -x स्क्वायर और ये मिलेगा आपको 2x और ये मिलेगा आपको 8 इज इक्वल टू 0। फिर जो है माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। फिर 8 का फैक्टर करना है तो 8 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि माइनस करें तो 2 आ जाए, तो 4 2 जाए 8, 2 - 4 कर देंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 2x -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x कामन ले लीजिए तो ये x - 4 हो जाएगा, यहाँ 2 कामन ले लेंगे तो x - 4 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x - 4 मिल रहा है, दूसरे में x+2 मिल रहा है, बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ x = 4 मिलेगा, यहाँ x = -2 मिलेगा। एक बात समझ लीजिए, यहाँ से इधर x की वैल्यू निगेटिव होगी तो अगर x की वैल्यू निगेटिव होगी तो निगेटिव वैल्यू यहाँ मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो यहाँ मिलेगी। अब इसके बाद देखिए, अब x के जगह पे हम -2 रख करके y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ हम इसमें रखते हैं x के जगह पे -2 और -2 रख करके देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। देखें x के जगह पे -2 कर दें तो y = 3/2 - -2 प्लस हो गया 6। फिर 2 से इसको माइनस कर देंगे, 2 से कट कर देंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मिला आपको -2 3 मिला। और फिर हम x की वैल्यू 4 रख देते हैं। देखिए 4 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 3 6 6 + 6 हो जाएगा 12। यानी यहाँ का जो कोऑर्डिनेट मिला है आपको 4 12 मिला हुआ है। अब चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लाइन लेंगे, लाइन को लेकर के सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ x की वैल्यू -2 और यहाँ x की वैल्यू 4 है तो -2 से 4 तक इंटीग्रेशन करेंगे लाइन लेकर के। तो एरिया हम फाइंड करना है, ये हो जाएगा y1 dx, x की वैल्यू -2 और यहाँ x की वैल्यू है 4। और इसके बाद देखिए तो लाइन के द्वारा, रेखा के द्वारा जो क्षेत्रफल कवर होगा ये पूरा क्षेत्रफल कवर होगा। अब उसमें से हम परवलय के समीकरण को माइनस करेंगे तो ये भी परवलय -2 से +4 तक ही होगा, तो -2 2 + 4 और ये हो जाएगा आपका y2 dx। अब सबकी वैल्यू रख करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a = -2 2 4 y1, रेखा का समीकरण 3/2 x प्लस हो जाएगा 6, ये हो गया 3/2 x + 6, ये हो जाएगा dx। और -2 2 4 y2 जो होगा ये परवलय होगा, तो y2 क्या होगा परवलय 3/4 x2। तो 3/4 हम पहले कर देते हैं, ये x2 ये हो जाएगा dx। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है तो चलिए सॉल्व कर रहे हैं, सेपरेट करके सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 3/2 और x का हो जाएगा x²/2, यानी यहाँ 2 आएगा और ये हो जाएगा x² लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट हो जाएगा 4। अब इसके बाद ये 6 है तो 6 और फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ये हो जाएगा लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट हो जाएगा 4 और इसके बाद ये हो गया -3/4 x² का इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 x³ -2 to 4 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया a = 3/4, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और माइनस -2 का स्क्वायर कर दीजिए तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 6 ये हो गया 4, माइनस -2 कर देंगे तो +2 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/4 और यहाँ कर दीजिए 4 का क्यूब तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और -2 का क्यूब कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है, ये हो गया आपका 3/4, 16 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और प्लस हो गया 6, 4+2 ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1/4, और 64 - 8 कर देंगे तो 56 हो जाएगा, ये हो गया आपका 56, और फिर इसके बाद जो है इसको आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ -2 था, -2 होना चाहिए +2 था, हम केयर नहीं किए थे, तो अब अगर यहाँ पर 4 का क्यूब किए थे तो 64 और -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इस प्रकार प्लस ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, और फिर देखिए इसको कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इसको 4 से कट करेंगे ये 18 हो जाएगा, और फिर देखिए क्या मिल रहा है, a = 3 * 3 कर देंगे 9, और 6 * 6 36 कर देंगे, और माइनस ये हो गया 8। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 9 और ये 36 माइनस 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18, और फिर इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये है 27 यूनिट स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हुआ, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये तीनों क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखे थे, और हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।